दोस्तों, ये हमारे पास निसान मैक्सीमा है। ये 2003 मॉडल है। इसमें ये वाला कोड आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, P1320। ये इग्निशन सिग्नल कॉइल का कोड आ रहा है ये। और ये हम लोग आज चेक करने वाले हैं ये क्या प्रॉब्लम है। और इसकी मैंने पहले भी चेक की है, इसकी जो सी एक कॉइल काम नहीं कर रही, इसकी जो सी ये वाली कॉइल है, ये कॉइल इसकी काम नहीं कर रही। बाकी कॉइल वगैरह पूरी काम कर रही, लेकिन ये वाली कॉइल इसकी काम नहीं कर रही, ये वाली कॉइल इसकी काम नहीं कर रही। तो अभी मैं इसका यानी कि क्लिप में इसका करंट वगैरह चेक करूँगा, ग्राउंड और इग्निशन स्विच का एक करंट आएगा और एक कौन सा सिग्नल आएगा कंप्यूटर से। तो हम लोग टेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं सेंटर में जोन साइज के ग्राउंड आएगा। ग्राउंड इसमें आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड इसमें बिल्कुल सही है। और अभी हम इसका जोन सा इग्निशन स्विच का करंट है वो चेक करेंगे। ये रेड वाली वायर है इसमें, तो इग्निशन का करंट भी आ रहा है, बिल्कुल ओके है। तो लेकिन हमारी जो सी ये कॉइल है ये काम नहीं कर रही, और इसकी जो सा सिग्नल जो सा ईसीयू की तरफ से सिग्नल नहीं आ रहा। तो वो अभी मैं यहाँ से चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम निकलता है। इसका ओनली ईसीयू का जो सा है सिग्नल नहीं आ रहा वहाँ से। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। इसकी वायर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, इस कॉइल की जो से सिग्नल वायर है जो से ईसीयू से आएगी वो डैमेज तो नहीं है, रास्ते से टूटी तो नहीं हुई। तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने पहले भी चेक की है, ये यहाँ पे इस पे टू पे इसको सिलेक्ट करते हैं हारन पे। तो यहाँ से जो सा इस मीटर की वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं वायर उस ईसीयू की वायर में लगाता हूँ डायरेक्ट। इसकी ईसीयू की वायर ये ऊपर वाली ब्राउन ये वाली बन रही है। अभी मैंने गाड़ी को बंद कर दिया है, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ ये अलार्म देता है या नहीं देता। हाँ, ये अलार्म दे रहा है। और इसी मैंने इसका खोला हुआ है। इसकी वायर मैंने अभी चेक भी की है, इसकी वायर कौन सी बन रही है, इसकी ये वाली वायर बन रही है उस कॉइल की, ये ब्राउन कलर की। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से हमारा जौन सा वायर जौन सी बन रही है वो यहाँ पे आ रही है कौन सी, ये एक नंबर वाली आप लोग देख सकते हो। यानी कि जौन सी हमारी कॉइल की वायर है वो बिल्कुल ओके है, यानी कि वायर डैमेज वगैरह नहीं हुई। तो अभी हम लोग इसका चेक करेंगे। और इसका जौन सा ये ईसीयू ये ख़राब हो गया, ये यानी कि एक सिग्नल इसमें से नहीं निकल रहा है कॉइल का। तो ये अभी हम लोग चेक करेंगे अच्छे से, इसी की प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ की प्रॉब्लम है, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो हमारा वो जौन सा कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर हमारा ख़राब था, काम नहीं कर रहा था। अभी हम लोगों ने ये नया लेके आए हैं उधर से, चला हुआ वैसे तो पूरा नहीं है, लेकिन अभी नया लगाया है। तो हमारी जो से कॉइल है वो काम करना शुरू कर चुकी है, ये इसका मोबिलाइज़र वगैरह भी, ये पूरा सेट ही इसके साथ हम लोग लेके आए थे, मोबिलाइज़र और ये इसकी जो सी की और ये कंप्यूटर, ये अभी हम लोगों ने लगाया है नया। तो अभी हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है और कॉइल भी अभी काम करना शुरू कर चुकी है। तो
अभी आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ आएगी कॉइल की, अभी हमारी कॉइल है जो सी वो काम करना शुरू कर चुकी है। और अभी हम लोग स्कैनर लगाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे, हमारा जो सा फॉल्ट था वो जाएगा या नहीं जाएगा। और अभी मैंने इसमें दोबारा स्कैनर लगाया, इसमें ये काफ़ी सारे कोड आ रहे हैं अभी, और इग्निशन सिग्नल का ये जो सा कोड आ रहा है ये आप लोग देख सकते हो ऊपर, ये वही पुराना वाला कोड है। अभी हम लोग इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। ओके, मैं इसे बैक जाता हूँ और यहाँ से सबको एक साथ में यहाँ से इरेज करते हैं। अभी 7 कोड आ रहे हैं, अभी 7 कोड आ रहे हैं, अभी हम लोग इनको इरेज करेंगे। हमारे जो से ये कोड थे ये इरेज होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हमारा जो सा फॉल्ट था वो यहाँ पे निकल चुका है। दोबारा कोड को चेक करेंगे, अभी किस चीज़ का कोड आ रहा है। तो हमारा जो सा फॉल्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो से वो कॉइल एक काम नहीं कर रही थी, अभी वो भी ओके काम कर रही है, उसमें करंट वगैरह बिल्कुल सही आ रहा है, हमारी गाड़ी अभी बिल्कुल ओके है, मिसिंग वगैरह नहीं कर रही। तो अभी इसको चेक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो वो हमारा जो सा कोड था वो यहाँ से निकल चुका है, वो हमारा कोड यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो एयर टेम्परेचर सेंसर इसका तो चलो हम लोग चेक कर लेंगे, हमारा मेन मसला वही था। अभी ये गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, अभी हमारा गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पर, अभी गाड़ी हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, स्टार्ट है और मिसिंग वगैरह नहीं है, और हमारा जो सा कोड था वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और चेक लाइट भी इसकी बंद हो चुकी है, हमारी इग्निशन कॉइल बिल्कुल अभी सही काम कर रही है, और हमारी गाड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।